हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन और SLN। डेप्रिसिएशन क्या होता है गाइस? कोई भी चीज़ या कोई भी गैजेट्स हमने परचेज किया है उस पर क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है, उसकी वैल्यू डाउन होती है। ये ना किसी भी वजह से हो सकती है, या उसमें कुछ डैमेज हो गया उसकी वजह से हो गई, या फिर उसके हर साल में उसके ऊपर उसकी जो वैल्यू होती है या कुछ टाइम पीरियड में उसकी जो वैल्यू होती है वो डाउन होती रहती है। तो वो किस हिसाब से डाउन हो रही है वो हम निकालेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन का इस दो तरीके से है, एक तो डीवी है, ठीक है ना, डीवी है, ये डिक्लाइन वैल्यू होता है गाइस, और एक होता है SLN, ये स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन मतलब कि ये फिक्स रहेगा, जो वैल्यू होगा वो फिक्सली एक ही हिसाब से कटती जाएगी। और डीवी होता है, ये डिक्लाइन वैल्यू होता है, जो भी वैल्यू आपकी फर्स्टली कैलकुलेट होगी, मतलब कि पहली जो डेप्रिसिएशन निकलेगा पहले साल का, उस अमाउंट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी दूसरे साल उस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये होता है डिक्लाइन वैल्यू, इसमें वैल्यू डाउन होती रहती है। ओके गाइस, तो ये हमारा कुछ डेटा है, इस डेटा के ऊपर मैं बताने जा रही हूँ, फिर इसका मैनुअल कैलकुलेशन भी बताऊंगी कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मैनुअली ठीक है या नहीं है। ओके, फॉर्मूले के थ्रू तो टू ईजी है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन उसका हम मैनुअल कैलकुलेशन भी करके देखेंगे कि मैनुअली ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा। ओके गाइस, तो चलेगा इस हम इस अगर तो इस आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको जल्दी मिल जाएगा। इस हमारा फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। चलेगा इस स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का टॉपिक डेप्रिसिएशन। ओके, देखिए गाइस, डेप्रिसिएशन हमें निकालना है। ओके, फॉर्मूला इजी है, कोई टिपिकल्स नहीं है, चीज़ें आपके पास सारी दलील लिखी हुई है। ओके, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। रो डेटा है गाइस, मैंने इसको हटा दिया, सपोज दैट ये सारे हटा देते हो गाइस, जिससे कि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए इजी। यहाँ पे देखिए गाइस, ये भी हटा दिया। ओके गाइस, ये एक हमारा हमारी कार है, इसकी कॉस्ट 4 लाख रुपए है, और ऐसे ही इसका है गाइस यहाँ पर सेल एवरेज। सेल एवरेज क्या होता है कि इसकी लास्ट वैल्यू जो होगी वो 50,000 होगी, यानी कि जो हमारी 4 लाख की कार है लास्ट जो वैल्यू होगी इसकी, मतलब 50,000 से डाउन नहीं बिकेगी, और इसकी लाइफ है 5 ईयर। ओके, तो हम यहाँ पे निकाल रहे गाइस डेप्रिसिएशन। देखिए गाइस, निकालेंगे कैसे, इक्वल और डीवी फंक्शन लगाएंगे। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये गाइस ईयर है, हमें किस ईयर का निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट बोल रहा है, तो ये मेरी कॉस्ट है। ओके, देन इसके बाद बोल रहा है सेल एवरेज। सेल एवरेज क्या हमारा गाइस, ये हमारा सेल एवरेज है। फिर बोल रहा है गाइस लाइफ, ये लाइफ है 5 ईयर, और अब बोल रहे हैं गाइस इसका पीरियड, किस पीरियड का निकाल रहे हैं, मैंने क्या फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए गाइस और एंटर। देखिए गाइस, ये इसका निकल गया पहले साल का डेप्रिसिएशन। अगर गाइस आप इसे ट्रैक कर देंगे तो देखिए गाइस, ले लिया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि गाइस जैसे ही मैंने इसे ट्रैक किया, यहाँ पे जो रेफरेंस यूज हो रहा है ना, ये B5 और B6, इसने इसको भी ड्रैग कर दिया, तो मुझे यहाँ पे अपना फॉर्मूला जो है इसको फिक्स करना होगा। ओके गाइस, तो फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर का साइन होता है, जब हमने रेफरेंस बताया था तो वहां पे ही आपको रेफरेंस को क्या करना था, फिक्स करना बताया था। तो ये जो डॉलर का साइन है यहाँ पे हम लगाएंगे शिफ्ट के साथ गाइज, यहाँ पे F4 के ऊपर डॉलर, F4 के ऊपर डॉलर का साइन होता है, इधर प्रेस कर दीजिए, या डायरेक्ट भी आप ऑल्ट, आप F4 भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो वहां से भी हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हमने इसे प्रेस की लगा दिया, दोनों को फिक्स करना है गाइस। यहाँ पे जो कॉस्ट है आपकी और सेल एवरेज है और लाइफ है, इसको फिक्स करना है। ठीक है गाइस, क्योंकि ईयर तो हमें चेंज करना है, तो ईयर हम फिक्स नहीं करेंगे, बाकी ये सारी वैल्यूज हमें फिक्स करनी है। तो यहाँ पे हम डॉलर लगाएंगे गाइस। ओके, तो ये डॉलर लगा के मैं वैल्यू फिक्स कर रही हूँ गाइस, आप भी यहाँ पे डॉलर लगा के फिक्स कर दीजिए। ये डॉलर लग गया। ओके, ये यूज हो गया। ओके गाइस, अब यहाँ पे एंटर कर दीजिए, देखिए निकल गया। अब इसे जब हम ड्रैग करेंगे गाइस, तो देखिए ये इसने शो कर लिया, ये वाली वैल्यू फिक्स हो गई और सिर्फ इसके ईयर चेंज हो गए। देखिए गाइस, यहाँ पर ये फिक्स है, यहाँ पे भी देखिए वाली वैल्यू फिक्स है, सिर्फ हमारा ईयर चेंज हो रहा है, ये वाला सेल चेंज हो रहा है, ये वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी, ये देखिए गाइस। ओके, तो यानी कि हमारा 5 साल का डेप्रिसिएशन इसने निकाल दिया। पहले साल में इतना डेप्रिसिएशन होगा, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना, नेक्स्ट ईयर में इतना। अगर गाइज आपको अपना SLN निकालना है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, अभी गाइज इसको हम मैनुअल कैलकुलेशन भी करेंगे, तो SLN निकाल लगाएंगे गाइज और ब्रैकेट स्टार्ट। टू इजी है,
कॉस्ट चूज कर लीजिए, देन लेली कॉस्ट, फिर इसके बाद सेल एवरेज ले लीजिए, सेल एवरेज ले लिया, और इधर से लाइफ ले लीजिए, इसकी लाइफ ले ली, ओके एंटर। ये देखिएगा ये स्ट्रेट निकलेगा, यानी कि 70,000 स्ट्रेट निकल रहा है। और इधर भी गाइस हमें फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है गाइस, इसे भी फिक्स करना पड़ेगा जिससे कि ये फिक्स ही निकले, क्योंकि ये हर साल का गाइस सेम निकलेगा, ईयर तो हमें इसमें चूज करने नहीं पड़े, तो ये हर साल का सेम ही निकलेगा। ओके गाइस, तो इसके लिए हम इधर इधर भी ब्रैकेट स्ट्रेट कर रहे हैं गाइस, इसे फिक्स कर रहे हैं गाइस। इसमें जो हम फिक्स करेंगे ना, तो इसमें हम सिर्फ डेटा फिक्स करेंगे, मतलब कि ये जो हमारी रोज है ये हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, हमारा कॉलम सेम रहेगा और रो फिक्स हो जाएंगे, रो चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कॉलम हमारा बी है, नहीं गाइस कॉलम नहीं गाइस, हमारा गड़बड़ हो रही है। तो हमारा ये रो हमारी फिक्स रहेगी, कॉलम हमारा ऐसे ही चलेगा, ओके गाइस। तो हमने डॉलर का साइन रो से पहले लगा दिया गाइस, तो रो हमारी फिक्स करने के लिए, ओके गाइस। देखिए गाइस ये यूज हो गया, ओके, तो इस तरीके से ये निकल गया। अब हम इसे अगर सम करते हैं, तो सम में इसको सबको हमने क्या करा, ऑल्ट प्लस कर दिया, इक्वल लगाया, ठीक है, और सम का फॉर्मूला लगाया, सम ब्रैकेट स्टार्ट, और ये सारा हमने सिलेक्शन कर लिया पूरा, और इसको देखिए गाइस ये रहा, ठीक है, ये स्टेट वाला तो सेम है, ये सबका सारा प्लस किया हमने, तो इसकी वैल्यू कितनी आई गाइस हमारी, ये वाला वैल्यू आई 3,50,000, इसमें से 5,50,000 क्या है हमारा गाइस, सेल एवरेज है, ये माइनस हुआ है, अगर इसे प्लस कर देंगे तो टोटल क्या तक कितना हो जाएगा, 4,00,000 हो जाएगा, तो यानी कि SLN तो हमारा फिक्स है। अब गाइस हमने इसको सम करते हैं, इस सबको हम सम कर रहे हैं, इसको भी सम करने के बाद सेम सम का फंक्शन लगाएंगे, इस पूरी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये वैल्यू आई गाइस हमारी 4,49,906.70, ओके गाइस। ये थोड़ा सा वेरिएशन इसलिए रहता है गाइस, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट किसी फॉर्मूले के थ्रू नहीं लगाया है, हमने इसे क्या करा है कि ऐसे एक एवरेज ले लिया, एक रैंडमली वैल्यू कोई ले ली हमने अपनी मर्जी से, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इससे। अब गाइस यहाँ पे क्या है हमारी, ये कॉस्ट है हमारा, ओके, और ये हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट है, टोटल जो ये वाला डेप्रिसिएशन है यही अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा, तो इस अमाउंट में से इसको माइनस कर दिया, तो कितना आया, ये वाली डेप्रिसिएशन आया गाइस 5,000 था, ये थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, ये सिर्फ उसी का वेरिएशन है, ओके, तो यानी कि ये हमारा ठीक आ रहा है। अब गाइस इसकी हम मैनुअल कैलकुलेशन कर लेते हैं, बट मैनुअल कैलकुलेशन से पहले हम गाइस इसमें परसेंट निकालते हैं कि जो डेप्रिसिएशन निकल रहा है हमारा ये कितने परसेंट निकल रहा है, ठीक है गाइस। तो डेप्रिसिएशन में सबसे पहले जो पहले महीने का डेप्रिसिएशन है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे गाइस, अपनी कॉस्ट से, ओके, तो सेम है इसमें इक्वल लगाइए, ये हमारा डेप्रिसिएशन है, इसको हमने डिवाइड कर दिया इस कॉस्ट से, तो ये हमारा आ गया गाइस 34%, यानी कि जो हमारा डेप्रिसिएशन निकल रहा है इस वैल्यू का, ये निकल रहा है 34%, ओके, ठीक है गाइस। अब हम इसे मैनुअल कैलकुलेट करते हैं, तो मैनुअल कैलकुलेट करने के लिए एक टेबल बना ली है जिसमें ईयर वैल्यू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अमाउंट और वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू और द नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो एक साल की डेप्रिसिएशन वैल्यू होगी उसके बाद अमाउंट वैल्यू आएगी और नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर की वैल्यू क्या होगी, ये है गाइस। तो इसमें गाइस सबसे पहले तो ये वैल्यू हमने डायरेक्टली लिख दी है, ओके, और ये रेट भी डायरेक्ट लिख दिया, ईयर हमने डायरेक्ट लिखे हुए हैं और इधर वैल्यू डायरेक्ट है, रेट डायरेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि ये निकाल चुके हैं यहाँ पे गाइस, इसलिए ये डायरेक्ट है। अब ये अमाउंट भी निकालने के लिए गाइस आपको क्या करना है, आपको इंटू ही कराना पड़ेगा, दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, ओके, तो यहाँ पे इसको इक्वल किया तो ये लगाया हमने दिस वैल्यू, यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है उसको इंटू कर दिया हमारे रेट से, ओके गाइस, ये परसेंटेज में है और एक एंटर कर दिया, देखिए गाइस ये निकल गया, ओके। अब आप इसे परसेंटेज में निकाल सकते हैं गाइस, मैंने परसेंट लगाया नहीं था इसलिए इसको हम परसेंटेज में लगा सकते हैं, परसेंटेज में निकल गया गाइस, देखिए ये आ गया
तो इस तरीके से ये शो हो गया। ओके गाइस, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसमें क्या करेंगे गाइस, इस अमाउंट में से हम ये वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी सेम एज गाइस। ओके, तो इसको हमने क्या करा, यहाँ पर इक्वल किया और दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, यानी कि जो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट है और प्रिंसिपल अमाउंट में से उसको माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू है गाइस, ये हमारी नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन वैल्यू बन जाएगी, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वल लगा के यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सॉरी दिस वन वैल्यू, ओके एंटर कर दिया, ये यूज हो गई गाइस। अब इस फॉर्मूले को कर दीजिए आप इसे ड्रैग, मैं यहाँ से हटा रही हूँ गाइस ये फॉर्मूला, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसे निकाल के दिखाऊंगी इसलिए। अब यहाँ पे गाइस इसको हमने क्या हटा दिया, इसे डिलीट, इसको तो हम कर देते हैं गाइस ड्रैग, ये हो गया ड्रैग, ओके ये आ गया, और इसको भी हम कर देते हैं ड्रैग, देखिए गाइस, ठीक है, सेम वही वैल्यू आ गई गाइस उधर जो यूज्ड है, ओके। और यहाँ पर भी इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए तो ये सेम एज उस हिसाब से निकालता चला जाएगा, ये रहा। और यहाँ पे इन सबका टोटल आ गया गाइस, ये सारा टोटल है, तो ये सारा टोटल क्या हो गया गाइस, यहाँ पे आ गया, सेम टोटल आ रहा है गाइस, ये वाला अमाउंट देखिए और ये वाला अमाउंट देखिए, एज एज इट इज है, ओके। तो यानी कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बाय द फॉर्मूला, वो हमारा सही कैलकुलेट हो रहा है अगर हम उसे मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, ओके गाइस। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए।